Jalim, at this time, these were times when people started this campaign ke Islam ko khatra hai, Islam ko khatra hai, Islam ko khatra hai. Jalim punctured that thought. It was catching up, but he said, khatra hai zardaron ko, lambi lambi karon ko, sadiyon ke bimaron ko, amrike ke yaron ko khatre mein Islam nahi. Now, in this contest, you read Faiz, you read Jalib, you read Daman. They are iconoclasts. These three poets can best be described to, in my mind, as iconoclasts. Bhut shikan. Bhuton ko todne wale. हमारे जहन में जो बुत हैं, जो हमने बना लिए हैं, जो मफरूजे बना के उनको हकीकत बना लेते हैं और फिर उन बर्दाश्त नहीं करते किसी की दूसरे की बात को, इख्तलाफ को बर्दाश्त नहीं करते. हमारे यहाँ ये माहौल हो गया है पाकिस्तान में कि मैं ये कहता हूँ कि मेरी मुट्ठी में जो कुछ है इस पर ईमान लाओ, जो मेरी मुट्ठी में है इस पर ईमान लाओ. नजर आता है, नहीं नजर आता, मुट्ठी खाली है या कुछ है, जो मेरी मुट्ठी में है इस पे ईमान लाओ, वरना आप वाजिबुल कत्ल हो, वरना मारे जाओगे. द इंटॉलरेंस ब्रॉट अबाउट द आइकॉनोक्लाज्म इन जालिम, इन दामन, इन इन फैज. दामन वॉज ऑल्सो अ सूफी, ही वॉज अ पोएट. समझ समझ के होरा ताई मैं लेना है कि मेरा अपना आप बुझारत बनिया, लुक लुक बहंदा है जी, छड़ दे सारे चांदे जेड़े, कर दे बंद किताबा, सूझ बूझ दी ऐसी तैसी, घुट घुट करके पी. And he says, जो हो ना सकी बात वो चेहरों पे से आया थी, जो हो ना सकी बात वो चेहरों से आया थी, हालात का मातम था, मुलाकात कहाँ थी. इमेजिन हाउ फैज रेजोनेट्स विद दिस. इन साइबाल जेल इन 1954, वेल व्हेन फैज वाज अरेस्टेड इन 1953, ही वाज टेकन टू साइबाल जेल. बिफोर ही was taken there, he had 235 rupees in his pocket, with him. He gave 200 rupees to his wife Alice Faiz and took 35 rupees with him. Hum khasta tano se motasabo, kya maalo manal ki poochte ho, jo umr mein humne bhar paya, sab laake dikhaye dete hain, daman mein mushte khaake jigar, दामन में है मुश्ते खा के जिगर, सागर में है खूने हसरत में, लो दामन हमने झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते. बट जालिब एंड फैज, एज आई सेड, वर ऑल्सो एक्टिविस्ट. फैज आज बाजार में पा बजौला चलो, एंड दे ही हैड एन इंटरनेशनल विजन, अ विजन दैट वाज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू पाकिस्तान और पाकिस्तान. व्हेन इन 1953 ड्यूरिंग द काउंटर कू अगेंस्ट मुसद्दक, द रिटर्न ऑफ द शाह ऑफ ईरान, ईरानी students were fired at and butchered, Faiz wrote one of the most beautiful poems in Urdu, nazm, not ghazal, nazm in Urdu literature, ye kaun sakhi hai. Imagine the imagery of jewels and jewelry running through it, ye kaun, and it's a revolutionary poem where it ends, ये कौन सखी है जिनके लहू की अशरफियां, छन 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 छन
धरती के पै हम प्यासे कशकोल में गिरती जाती है, कशकोल को भरती जाती है। ये कौन जवां है अर्ज अजम, ये लख लुट जिनके जिस्मों की भरपूर जवानी का कुंदन, यूं खाक में रेजा रेजा है, यूं कूचा कूचा बिखरा है। क्यों नोच के हंस हंस फेंक दिए इन आंखों ने अपने नीलम, इन होठों ने अपने मर्जा, इन हाथों की बेकल चांदी किस हाथ लगी किस काम आई। ये तो सवाल हुआ, अब अर्ज अजम बोलती है, ऐ पूछने वाले परदेसी, ये तिफलो जवां उस नूर के नौरस मोती हैं, उस आग की कच्ची कलियां हैं जिस मीठे नूर और कड़वी आग से जुल्म की अंधी रात में फूटा सुबह बगावत का गुलशन और सुबह हुई तन मन। और इन जिस्मों का चांदी सोना, इन हाथों के इन आंखों के नीलम मर्जा, जगमग जगमग रक्षा रक्षा। और गर देखना चाहे परदेसी पास आए देखे जी भर कर, ये जीस्त की रानी का कुंदन, ये अम्न की देवी का कंगन। नाउ दिस इज देवर इंटरनेशनल मारे गए सुलियों पर, हमारे लबों से परे तेरे हाथों की चांदी चमकती रही, तेरे होठों की मस्ती लाली चमकती रही, तेरी जुल्फों की मस्ती बरसती रही, जब घुली तेरी राहों में शामे सितम। नाउ इज एड्रेसिंग नेक्स्ट हिज कॉज, इज एड्रेसिंग हिज कंट्री। जब घुली तेरी राहों में शामे सितम, हम चले आए लाए जहां तक कदम, लब पे हर्फे गजल दिल में किंदीले गम, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की। उसके हुस्न की और कोई गवाही नहीं है कि कितनी खूबसूरत बड़ी आंखें जुल्फें, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की, देख कायम रहे इस गवाही पे हम जो तारीख राहों में मारे गए। He addresses his writers, he addresses the writers of Pakistan, कि जुल्मत को ज़िया, जुल्मत को ज़िया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना, करगस को दूसरा मिसरा जरा निकल रहा है जेल से, वो वैसे तो उस्ताद बैठे हैं मुजाहिद बरेलवी, जुल्मत पे ना अपना फन वारो, ये महल सराओं के बासी कातिल है सभी अपने यारों, इबलीस नुमा इंसानों को ऐ दोस्त सना क्या लिखना, इबलीस नुमा इंसानों की ऐ दोस्त सना क्या लिखना। एंड जालिब वाज प्रॉम्प्टली मार्च टू जेल, बट फैज वाज आल्सो कमिंग अप विद सिमिलर पोएट्री, द पोएट्री ऑफ हिज 70s एंड हिज 80s। देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है जो लौहे अज़ल में लिखा है, जब जुल्म सितम के कोहे गिरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, जब महकूमों के पांव तले ये धरती धर धर धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर ये बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। अब देखें अगले वर्सेस में किस तरह मुल्ला और अथॉरिटी, आर्बिट्री मिलिट्री अथॉरिटी और मुल्ला दोनों को किस तरह फैज गारत करते हैं। जब जुल्म सितम के कोहे गिरा जब रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले, जब धरती धर धर धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे। जब अर्ज खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, और हम अहले सफा मर्दूद हरम, हम अहले सफा मर्दूद हरम मस्जिद पे बिठाए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी।
उठेगा अनल हक का नारा, जो तुम भी हो और मैं भी हूँ, और राज करेगी खल्के खुदा, जो तुम भी हो। Home, who have come, who have settled down here, even those who have now British nationalities, I know, I can feel the urge that Pakistan has for you. But that urge, if you can't come back, many of you will not be able to come back, but I can understand, I feel the emotions, I know that, I meet so many of you whenever I'm abroad. All over the world, Pakistan's diaspora is the richest part of Pakistan. But you have to try to make Pakistan rich with you also. And remember, always, the message of Faiz Jalib and Daman, that the history of Pakistan and the history books of Pakistan must be all about Pakistan, before and after Islam, but all about Pakistan. And the diaspora of Pakistan, Pakistan's children living abroad for the time being, I know you do feel the pull of the country as Faiz did for Kala Kadir. But remember, the pull will take you back, or it may not take you back. But back home is where you belong and where you must remain committed to. Thank you very much.